नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, अक्टूबर महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि मैं यही चीज बोलूंगा, रोना बंद करो, सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है। जी हाँ, नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूँ। प्रिय मिथुन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने ग्रहों की स्थितियों के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि कैसा रहेगा पूरे महीने आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, यानी मूलभूत रूप से जीवन के सारे विभिन्न अंगों का चर्चा करता हूँ इस वीडियो में भी मैं करूँगा। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है, जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर ग्रहों में अस्थिरताएँ कुछ रहेंगी तो अक्टूबर महीने में कौन सा दिव्य प्रयोग आप करेंगे तो आपके जीवन में जो नकारात्मक फल है वह कम पड़ेगा, यह भी बताऊंगा। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये ग्रहों के गोचर के आधार पर वीडियो है, अतः अगर आपके जीवन में कुछ मिसमैच होता है तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए, क्योंकि जन्म पत्रिका का प्रभाव ही प्रत्येक मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए मिथुन राशि वाले, पूरे 31 दिनों का हाल जानते हैं, आखिर क्यों रोना बंद करो, तुम्हारा समय आ रहा है अच्छा। प्रिय मिथुन राशि वाले, अक्टूबर महीने में सबसे पहले हम लोग कर्म क्षेत्र की स्थिति को देखते हैं। देखिए कर्म क्षेत्र यानी कैसा रहेगा पूरा अक्टूबर महीने में नौकरी व्यवसाय का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन ये वर्तमान समय में द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव पे गोचर करने का मतलब है कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी खुद संघर्ष के स्थिति में है, परंतु 17 तारीख तक आपके कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि होगी, जो कर्म क्षेत्र मीन राशि यानी बृहस्पति के मित्र हैं। 17 तारीख तक नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के अवसर दिखेंगे। जिनकी नई नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत परेशानियाँ थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। किसी का सरकारी काम को लेकर के परेशानियाँ थी, 17 तारीख तक वह ठीक होता हुआ दिखेगा। 17 तारीख तक कम्युनिकेशन गैप जो लोगों से हुआ पड़ा था वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके सीनियर से और पिता से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होंगे, और अगर आपका कोई जॉब के लिए इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो वह भी 17 तारीख तक बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद आपके कर्म क्षेत्र पर कोई विशेष ग्रहों की स्थिति नहीं रह जाएगी और ना आपके मित्र ग्रहों पे किसी प्रकार का कोई दृष्टि रहेगा यानी कर्म क्षेत्र के मालिक पे। तो मैं यही बोलूँगा, 17 तारीख के बाद जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं वो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। जो लोग भी किसी के साथ मिल के कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर विश्वास तुरंत ना करें। बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट में पैसे व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं लेने का कोशिश करें, और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो न्यू कम्युनिकेशन करने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा, क्योंकि 17 तारीख के बाद इस महीने काम में थोड़ा स्ट्रगल और संघर्ष देखने को मिल सकता है। जो लोग अपने जीवन में नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं आप 20 अक्टूबर से पहले कर लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद मंगल निचस्त होंगे तो आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, अतः कोई भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर के बाद सावधान हो जाइएगा, क्योंकि मंगल गलत जगह पे लालच में या गलत ट्रैक में या ट्रैप में आपको फंसा सकता है, या पुराने कोई शत्रु प्यार मोहब्बत से गलत फ़ायदे उठा सकते हैं नौकरी और व्यवसाय के मामले में। तो आप 20 अक्टूबर के बाद कोई भी रिस्क नहीं ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, जैसा समय हो उसके अनुसार चलना चाहिए। विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा, सीधी बात मैं करता हूँ। 13 अक्टूबर को शुक्र जो है ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, और द्वादश भाव जो वृषभ राशि है जहाँ अभी इन दिनों बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाएगी। भाग्य स्थान में पहले से वक्र तत्व शनि बहुत पावरफुल पोजिशन पर है, क्योंकि शनि वक्री शुभ होता है तो आपके लिए लाभकारी है। 13 अक्टूबर से विदेश यात्रा का संयोग 100% बनेगा। विदेश जाने को लेकर के किसी प्रकार की कानूनी अड़चन है वो दूर होता हुआ दिखेगा।
विदेश जाने को लेकर के कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह नहीं हो रहा है वो ठीक होता हुआ दिखेगा, या किसी से आप मिलना चाहते हैं, या किसी कारण से जो है अपने जीवन साथी वगैरह से भी दूर है तो भी इस समय फॉरेन ट्रिप लग रहा है, यानी आपको विदेश यात्रा के लिए 13 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? मैंने कहा था रोना बंद करो, सफलता के तुम बहुत करीब हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस महीने आपके जीवन में कहीं से भी पैसे की कमी नहीं हो सकती है। इसका वास्तविक कारण बहुत सारा है। सबसे पहला कारण यहाँ पे ये है कि 13 अक्टूबर तक आय भाव को शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, फिर 10 अक्टूबर से कंटिन्यू बुध जो है आय भाव को देखेंगे, और इसके बाद 17 तारीख से सूर्य जो है ये आय भाव को उच्चस्थ दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देगा। यानी पूरे महीने चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे, यानी पूरे महीने आपको दूर दूर तक पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बार बार मैं एक बात आपको अवश्य बोलूँगा कि 20 अक्टूबर से मंगल जो है ये द्वितीय भाव पे जाएगा, तो मनी शेविंग का खतरा हो सकता है। मतलब आप परिवार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, बड़े भाई बहन हो, या किसी प्रकार के परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, या लव लाइफ से ही जुड़ा कोई क्यों ना हो, आप इनके समक्ष अपने पर्सनल धन यानी इनकम का खुलासा मत करिएगा। चुपचाप सीक्रेट तौर पे पैसे को रखिएगा। मतलब पैसे आने का योग बहुत है, लेकिन फ्रॉड होने का या गमन होने का डर उससे ज़्यादा बना हुआ है। तो आप किसी भी हाल में 20 अक्टूबर तक पैसे को बचाना है, ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल? एकदम सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ, विवाह कारक बृहस्पति द्वादश भाव पे हैं, जो कहीं न तो कहीं कमजोर अवस्था में है। यही कारण है कि इन दिनों आपके दाम्पत्य जीवन में ढंग के रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन, मतभेदता और डिस्टर्बेंस भी बना हुआ है, और शनि वक्री है तो आपके ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। 20 अक्टूबर तक मंगल का सप्तम भाव पे दृष्टि है, मित्र की राशि धनु राशि पे। तो 20 अक्टूबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई क्लेश है या मतभेदता है या डिस्टर्बेंस है तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा। 20 अक्टूबर तक विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते अवश्य आएंगे। 20 अक्टूबर तक जो है आपके जीवन में अगर किसी कारण से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, या फिर किसी कारण से जो है फॉरेन में है, या फिर अलग अलग रहना पड़ रहा है, लड़ाई ना हो, कोई और वास्तविक वजह हो, तो वो भी ठीक होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लव लाइफ की बात मैं करूँ तो जिनको लव मैरिज करना है उनके लिए 13 अक्टूबर तक समय बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद लव लाइफ में खटपट, मतभेदता, डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप 13 अक्टूबर के बाद किसी भी हाल में आँख बंद करके लव मैरिज करने से पहले बचना है, और किसी भी हाल में डिस्टर्बेंस हो सकता है। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ यानी लव लाइफ बिल्कुल ख़राब चल रहा है, उससे एकदम दूरी ही बन जाए, रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाए, तो 17 अक्टूबर के बाद इसके भी चांसेस प्रॉपर बनेंगे, और 20 अक्टूबर के बाद तो आर्ग्यूमेंट, बहस, मतभेदता से लव लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में स्वयं 17 तारीख तक वहाँ पे सूर्य विराजमान है। 17 अक्टूबर तक आपके जीवन में कोई संपत्ति का विवाद है वो सॉल्व होगा, भाई बहनों के मतभेद में है, रिश्तेदारों के बीच में मतभेदता है संपत्ति को लेके, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। परंतु एक बात आप अवश्य समझ लीजिएगा, 17 तारीख तक सूर्य चतुर्थ भाव में मित्र की राशि में जरूर है, तो 17 तारीख तक आपके माता का स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं है, पिता से भी आपके तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हो या मित्र के साथ ले रहे हो, तो 17 अक्टूबर के बाद रिस्क मत लीजिएगा, किसी प्रकार के गलत ट्रैप में आप फंस सकते हैं। अदरवाइज पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत ही अच्छा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस 17 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ करके करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा काम तो एक राय देना है। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, शिक्षा कारक स्थान पे 13 अक्टूबर तक शुक्र बैठे हुए हैं। 13 अक्टूबर तक अगर आपको बहुत अच्छे जगह पे एडमिशन्स कराने हैं उसके चांस बनेंगे।
13 अक्टूबर तक जो है आपका कोई जॉब है, इंटरव्यू है, तो उसका रिजल्ट फेवर में आएगा। संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। 13 अक्टूबर के बाद फिर जो है 17 अक्टूबर तक स्थिति में थोड़ी सी असमानता रहेगी, परंतु खराब नहीं है। लेकिन 17 अक्टूबर से पंचम भाव में सूर्य नीच का हो जाएगा। हालांकि सूर्य के साथ बुध का बोध आदित्य योग रहेगा, तो शिक्षा के मामले में और संतान पक्ष के मामले में 17 तारीख के बाद हो सकता है कि पारिवारिक अस्थिरता या पर्सनल लव लाइफ वगैरह को लेकर के, या रिश्तेदारों के चलते या दोस्तों के चलते आपके पढ़ाई को लेकर डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो इस मैटर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज संतान के द्वारा किसी प्रकार का कोई कष्ट या डिस्टर्बेंस 17 तारीख के बाद नीच का सूर्य के कारण हो सकता है। तो 17 अक्टूबर के बाद आप पूर्ण रूपेण 100% अपने प्रथम संतान पे फेथ मत करिएगा। किसी प्रकार के भी कोई अगर हैवी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या संतान को लेकर कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसको जांच परख लीजिएगा कि कहीं आपके तरफ से कोई फ्रॉड आपको उसके तरफ से कहीं आपके तरफ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है जो गलत इन्वेस्टमेंट करा सकता है। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखी हैं वो 17 तारीख के बाद अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है या द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के थोड़ी परेशानियां हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 अक्टूबर तक वो समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय मिथुन राशि वाले, देखिए मंगल नीच के हो रहे हैं और ये सीधा स्वास्थ्य को लेकर के संबंध रखते हैं आपके जीवन में। इसीलिए 20 अक्टूबर से थोड़ा सर दर्द, पेट की समस्या, पैरों की समस्या, गले के रोग की समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सूर्य भी जो है वो 17 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं, यानी गले से रिलेटेड समस्याएं आपके बढ़ सकती हैं और हड्डियों से रिलेटेड समस्या। तो इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा, इसलिए अपने हेल्थ का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बात करूँ कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल। इस महीने 13 अक्टूबर तक कानूनी अड़चन परेशानियाँ थोड़ी मोड़ी देखने को मिलेंगी। 13 अक्टूबर के बाद कानूनी परेशानियों से, पछड़े से आप बाहर निकल रहे हो और इसी समय ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पर करना क्या चाहिए, पूरे महीने मंगलवार के दिन आपको बेसन का हलवा बना करके गरीबों को अवश्य खिलाना चाहिए। इसके अलावा जो है 17 अक्टूबर से कंटिन्यू सूर्य को अर्घ यानी जल देना चाहिए और ओम सूर्य सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए 51 बार। और पूरे महीने अगर आप अपने जीवन में जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हो तो बुरा वक्त नहीं आएगा। ये कानूनी अड़चन, वीजा या पासपोर्ट का किसी प्रकार का कोई समस्या है या फाइनेंशियल क्राइसिस है या लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो उससे बचा देगा। तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपके लिए पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा अक्टूबर महीने का हाल, 31 दिनों का संपूर्ण तौर पर मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो तो होंगे ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।